गाइस, ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक मैथमेटिक्स। तो आज हम बात करेंगे कि हमें बुक के साथ और क्या एक्स्ट्रा मटेरियल करना चाहिए अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो बोर्ड प्रिपरेशन में हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कौन सी बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स, रिफ्रेशर्स या फिर कोई भी सैम्पल पेपर, हमें क्या चीज़ यूज़ करना है अपने एग्जाम के लिए। देखो, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बेस्ट है आपकी ये बुक। अगर आपको इस बुक के सभी क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लेना आपकी कंप्लीट 100% प्रिपरेशन है। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा आप करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए करें, आप अपने प्री बोर्ड्स पेपर, जो भी आप प्री बोर्ड्स दोगे वो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर इससे भी एक्स्ट्रा आप करना चाह रहे हैं तो आप करें 10 ईयर। तो आप कोई भी पब्लिकेशन का 10 ईयर ले लें और 10 ईयर वाले क्वेश्चन पेपर ही सोल्व करें। तो प्रीवियस 10 ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, उस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप उस बेसिस पर अगर आप प्रिपरेशन करते हो 10 ईयर बेसिस पर, तो वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि लेवल वही रहता है बोर्ड में। तो बोर्ड में जो 80% पेपर रहता है वही मॉडरेट लेवल रहता है, उसे मोस्टली बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, इजिली कर लेते हैं। लेकिन 20% में ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और उनके लिए बस आपके पास उसमें भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपको करने होते हैं। तो ये सिंपल हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बोर्ड्स के लिए। तो बोर्ड्स के लिए हमने यहाँ पर आपको सीरीज चला रखी है 2024 बोर्ड्स के लिए। तो आप उस मटेरियल को जरूर देखिए, उसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड मटेरियल में, हमने सभी चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाना है अपने प्री बोर्ड्स में, अगर आप प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि देखो, प्रिपरेशन के लिए आप हर एक क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं, जैसे बोर्ड से पहले या फिर प्री बोर्ड से पहले अगर मैं आपसे कहूँगी भी हर बुक का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं कर पाएंगे। तो फिर किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए? देखो, एक तो स्ट्रेटेजी होती है कि भाई आपने बुक की और बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लग रहा है, या फिर करते वक्त जब आपने फुल बुक कर रहे थे आप, उस वक्त आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही थी जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उस क्वेश्चन को मार्क कर लें, सिर्फ बोर्ड में उन्हीं क्वेश्चन को करें। या फिर हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, अगर आपने फुल बुक भी नहीं की है तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने मार्क किए ये क्वेश्चन करके जा सकते हैं अपने बोर्ड के लिए। आप हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट देखें और उस पर जो रिलेटेड है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको करके जरूर जाएं, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आपको डरना नहीं है। और फिर बात आती है भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो हर क्वेश्चन पेपर के लिए आप देखें भी आप कितना टाइम ले रहे हो। आप 10 ईयर्स में से कोई भी एक पेपर ले लो, टाइम के अकॉर्डिंग सोल्व करना, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आप देखना कि भी आप कितने टाइम में कर रहे हो। अभी आपका टाइम 4 घंटे आ रहा होगा, 3.5 घंटे 4 घंटे में जाकर आप पेपर को सोल्व कर रहे होगे, लेकिन आपको पता है अभी 3 आवर्स का टाइम रहेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग भी आपको सोल्व करना है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन जो भी होते हैं आप देखें कि इसमें आप कितना टाइम दे रहे हैं, कि 1 मार्क के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आप क्या दे सकते हो, 1 मिनट दे सकते हो या फिर मैक्सिमम 1.5 मिनट या 2 मिनट में आपको क्वेश्चन करना ही है, ठीक है, तभी आप उसको अटैम्प्ट करोगे। क्वेश्चन जो भी आता है आपको, देखो फुल क्वेश्चन पेपर आप तभी कर पाओगे जब आपको मोस्टली क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले से कर रखे हो। मीन्स कि भी आपको पता है कि भी क्वेश्चन तो आता ही है, बस आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन करना, वो भी क्विकली, बहुत ही जल्दी से आपको सॉल्यूशन करना है। तो जो क्वेश्चन भी आता है आपको उसको बहुत ही क्विकली करें, उसको रीचेक जरूर कर लेंगे भाई आपने सही किया है नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो उस कैलकुलेशन की मिस्टेक को जरूर देखें। तो बस आपकी यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बोर्ड के लिए, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आपको रिलैक्स रहना है और कोई भी ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि भाई ये आ सकता है वो आ सकता है। देखो, आता इतना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल ही रहता है हमारा। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और आपने ये क्वेश्चंस किए हैं तो आप सभी क्वेश्चंस अपने बोर्ड के इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बस आप इस चीज़ को देखना अपने प्री बोर्ड में यूज़ करके कि भाई आप प्री बोर्ड्स में कितना ज़्यादा स्कोर करते हो। अगर आप प्री बोर्ड में 60% भी स्कोर कर रहे हो तो आप अपने बोर्ड्स में 80% ईजिली स्कोर कर लोगे, ये गारंटीड है। क्यों? कि जो प्री बोर्ड्स का पेपर होता है वो एज़ कम्पेयर टू बोर्ड थोड़ा टफ बनाया जाता है, ठीक है, ये थोड़ा टफ होता है, तो इसीलिए मोस्टली बच्चे को ऐसा लगता है कि बोर्ड का पेपर भी ऐसे ही रहेगा तो फिर हम नहीं स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, बोर्ड के पेपर एज़ कम्पेयर टू प्री बोर्ड्स सिंपल होता है, ईजी होता है। तो बस आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि भाई आपको सभी चैप्टर्स आने चाहिए, कोई भी चैप्टर मिस मत करो, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर आप मिस करते हो तो उसका कोई भी छोटा क्वेश्चन आता है तो आप उसको मिस कर देते हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको गिवन टू प्रूफ उसको स्टार्ट करोगे तो भी उसके मार्क्स हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन कोई भी स्किप नहीं करना, अटेम्प्ट हर एक क्वेश्चन करना है जितने भी क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जैसे आपको लास्ट वाले में चॉइस मिलती है तो उसमें से आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन आपके कंपलसरी है उन सभी को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता तब भी अटेम्प्ट करना है, उसे लिखकर आना है कि भी हमने अटेम्प्ट किया है, और उसको कुछ भी गिवन टू प्रूफ जरूर करना है। ओके, तो बस यही स्ट्रेटेजी रखो आप अपनी, और सभी
सब्जेक्ट के लिए आप ये स्ट्रेटेजी रखो, आपके प्री बोर्ड्स काफ़ी अच्छे जाएंगे अगर नहीं हुए, और बोर्ड्स तो काफ़ी अच्छे जाने ही वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए, अगर आपका प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड्स के लिए सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और बोर्ड्स के लिए तो है ही। बस बोर्ड की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है आपको कि भी मार्क्स आपके 100 आए, ठीक है। आप 100 लेकर चलना, कभी भी ये मत सोचना कि 90 लेके आऊँ, नहीं। अगर आप 90 के सोच रहे हो तो कभी भी मार्क्स आपके 90 नहीं आएंगे, इसीलिए हमेशा 100 पेपर के लिए करना कि भी हम 100% पेपर को सोल्व करें, ये आपको रखना है। बस आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि हमें 100% पेपर सोल्व करना है, तभी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ओके, तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।